अपने कमरे में खड़ा बात कर रहा हूं तुमसे, सबके सामने बात कैसे कर सकता हूं? नहीं, अभी अम्मी से बात नहीं की मैंने। अरे डोंट वरी, मेरे माँ बाप कंजर्वेटिव नहीं है, हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो कभी जिंदगी में आपके अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं थी। परसों से सजे आंखों के ख्वाबों को तो ताबिया मिलने वाली थी और आपने आपने तो ख्वाब ही नोच लिया आंखों से। आप आ, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ। मीटिंग में? अब ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो लाइबा ने मुझे अपनी बुटीक का मैनेजर बना दिया है। वो ड्रेसेस की साइट देख रही है और कहा है उसने कि यहाँ का सारा काम मैं संभालू। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम सारा दिन फारिग रहती हो, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अच्छा आप लंच पे हमारे इंतजार मत कीजिएगा, हम लोग करके आएंगे। अच्छा सुनो, कल कोई मसरूफियात मत रखना, निकाल आ रहा है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या ये सच था जो मैंने सुना? वो क्या था जो कल अदील ने मुझसे कहा था? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, हर वक्त मुस्कुराती रहकर कंजूसी मत दिखाया कर। आई बात समझ में? इन जुमलों में प्यार का इजहार कहाँ है? क्या अदील ने कभी भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है? जरूरी नहीं सवाल करना, उनकी आंखों में साफ दिखता था कि जो पसंद करते हैं। ये सिर्फ मेरा बहन था। एक्सक्यूज मी, हेलो। मैंने कभी शिकायत की है क्या? ओके बाय। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप कुछ भी नहीं, निकाल की कॉल थी, कल वो आ रहा है ना तो बता रहा था मुझे। तुम मीना? अरे ऐसी कोई बात नहीं, चलो। क्या इतना सारा काम जमा करके बैठ जाते हैं, सारा ऑफिस का काम आप यहाँ ले आते हैं। सॉरी बेगम। बाबा आपको पता है मेरी दोस्त है ना बिस्मा, वो अपने मास्टर्स के लिए टर्की जा रही है, मैं भी जाऊंगी। क्या बेटा ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बेटा तुम पड़ोस में नहीं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही हो। तो बाबा भाई भी तो गए थे। हाँ तो बेटा वो अदील तो बड़ा है ना बेटा, आप तो बहुत छोटी हो। ये आप क्या बोलती रहती हैं, छोटी हूँ, मैं बैचलर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। बट बेटा हमारे लिए तुम छोटी ही हो, प्यारी सी गुड़िया, तुम इस घर की जान हो, रौनक हो, हम तुम्हें कैसे जाने दे। बाबा
बाबा प्लीज। बाबा की जान ले लो, लेकिन ऐसी फरमाइश मत करो बेटा। मम्मी मेरी जान, बेटा आपको आपको जितना भी पढ़ना है ना, आप यहाँ पढ़ सकती हो, पढ़ो जितना पढ़ना है। बेटा हम तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते, और देखो फिर आपको पता है ना, इस घर में हर सुबह जब तक हम सब आपको नहीं देख लें, हमारी सुबह नहीं होती। और यहाँ तक कि लायका आपसे 2 साल बड़ी है, लेकिन एक कदम भी वो आपके बगैर नहीं चल सकती। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गलती ये है कि आप प्यारी सी गुड़िया हो, इस घर की रौनक हो। बस अब तुम ऐसी कोई फरमाइश नहीं करोगे, ओके? नॉट ओके। बढ़िया भैया, देख लिया। मैंने क्या देख लिया, सब आप ही की तो लाड है। अच्छा चले, गोली खाएं, कल से आपका गला बहुत खराब हुआ है। लीजिए। थैंक यू। बेटा ये क्या अंधेरा कर रखा है तुमने? मुझे नहीं चाहिए कोई रोशनी, बंद करें। अच्छा तो हमारी बेटी नाराज है, हुँ? उससे आपको क्या? मुझे क्या बेटा, सारे घर को फिक्र पड़ी है। वो नसरीन भी 2 दफा आई, तुमने उसे कमरा ही नहीं साफ करने दिया, दौड़ा दिया उसे। मुझे नहीं कराने कोई सफाई वफाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मैं ना अब इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि इस कमरे से ही बाहर नहीं निकलूंगी। हैं? मम्मी तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर बेटा यूनिवर्सिटी कौन जाएगा, पेपर कौन देगा? हाँ नहीं पढ़ना मुझे अब। और मम्मी बेटा क्यों आजमाइश में डालना चाहती हूँ मैं? मैं इतना हौसला नहीं बेटा कि हम तुम्हें अपने आप से जुदा कर लें। दिल पे पत्थर रखकर हम ये फैसला कर लें। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी आज। मम्मी मुझे माफ कर दे मम्मी, मैं भी आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। सॉरी, मुझे ना खुद नहीं जाना, आप लोगों से दूर मैं नहीं जाऊंगी कहीं, माफ कर दें मुझे। मेरी बेटी बड़ी हो गई है ना, अब बस मुझे कोई बच्ची ना आए। ठीक है नहीं कहेंगे, लेकिन बेटा तुम भी तो बड़े होने का सबूत हो ना। देखो तुमने अपने कमरे का क्या हाल कर रखा। हाँ चीजों को बेटा जगह जगह पे रखते हैं, समझ रही हो मेरी बात? ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्या मुश्किल है? आप है ना उसके लिए। मैं काम करती हूँ, मिली को देखकर आती हूँ, वो यूनिवर्सिटी से आके कमरे में घुस गई सड़गिल कहीं की। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अरे नहीं, लंच ब्रेक में आया हूँ। तुम्हारी आपा ने कुछ चीजें मंगवाई थी, बस जा रहा हूँ वापस। आपा आप मुझे कह देती मैं ले आती, तुम होती कब हो घर पे? आपको पता है ना लायबा ने मुझे अपने साथ लगाया रखा है। लायबा कहाँ है, आई नहीं तुम्हारे साथ? नहीं मार्केट गई वे, फिर उसके बाद एक पार्टी ने आज रात उसे डिनर पे बुलाया, मैं बहुत थक गई थी इसलिए वापस आ गई। अब ऐसा भी क्या काम के दिन रात की उसको खबर ही नहीं है? ठीक है वो काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रातों को देर से आना ये सही बात नहीं है रिफत। ये काम उसका शौक है, मजबूरी नहीं है, और शौक की कोई हद होती है। आपा ये हमारा दौर नहीं है, हम आजकल की लड़कियों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। आपको पता है कि लायबा लंदन से पढ़कर आई है, उसे अच्छे बुरे की सब तमीज है। ठीक है वो लंदन से पढ़कर आई है,
लेकिन वहां पर हम नहीं थे। ये अब उसका घर है और इस घर के कुछ कायदे कानून हैं, जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए। अरे इशरत, तुम परेशान ना हो, लाइबा समझदार बच्ची है और अभी उसने बिजनेस का आगाज किया है, देर सवेर तो हो ही जाती है। कुछ भी हो, दौर कितना ही बदल जाए, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ हदूद मुकर्रर होती हैं, और अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती तो बाद में अपनी शौहरों की पाबंदियां उन्हें बहुत बुरी लगती हैं। आप क्या चाहती हैं? लंदन से पढ़कर आने वाली लड़की को मैं जाहिल औरतों की तरह कैद कर दूं? मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। अरे इशरत, परेशान ना हो तुम। मिली, मिली, क्या हुआ? तुम यूनिवर्सिटी से आकर ही सो गई? हाँ बस, ये तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। अरे उठो ना, क्या हुआ? अरे तुम तो बुखार से तप रही हो। मैं अभी अम्मी को बता के आती हूँ। अरे मम्मी, नहीं, मेरी बात सुनो, पागल हो गई हो? क्यों सबको परेशान कर रही हो? तुम एक काम करो, मुझे बुखार की टैबलेट दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये बुखार टैबलेट से सही होगा, हमें तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। मैं अभी अम्मी। अरे मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी नहीं करो इस तरह। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मम्मी, कि बुखार ने मेरे जले हुए ख्वाबों की तपिश है। अरे इशरत, मैं वहां कमरे में इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ गोशे तन्हाई में बैठी। थक गई थी, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। हाँ बिल्कुल, रेस्ट करें। वैसे कोई काम तो नहीं है? नहीं, काम तो सारे हो ही गए हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं चलता हूँ। इशरत, एक बात कहनी थी। देखिए, माना के रिफत आपकी सगी बहन नहीं है, लेकिन आपने हमेशा उसे बहनों की तरह रखा है। आप अच्छी तरह उसके मिजाज से वाकिफ हैं, फिर तकरार की क्या जरूरत है? मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि वो लाइबा को भी खुद जैसा बना रही है, लाबाली, गैर जिम्मेदार। उसे तो ससुराल नहीं मिला ना, मैंने तो उसे हमेशा अपनी बड़ी बहनों की तरह ट्रीट किया है, कभी देवरानी नहीं समझा, इसलिए निभ भी गई। लेकिन जरूरी तो नहीं कि लाइबा को भी ऐसा ही ससुराल मिले। वैसे मिल तो सकता है। क्या मतलब? भाई जिस तरह आपने रिफत को रखा है, उसी तरह लाइबा को भी अपने पास रख ले। मिकाल की आखिर हमने शादी करनी तो है ना, और मेरा ख्याल है कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी है। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन लाइबा के तौर तरीके देखकर ना मैं बहुत मायूस हो गई हूँ। आप जानते तो हैं अपने बेटे के मिजाज को। इतनी बार मैंने समझाया रिफत को कि इसके तौर तरीके बदलने की कोशिश करो, जब भी समझाने बैठी हूँ उसे उल्टा मुझसे बहस करना शुरू कर देती है। अच्छा चले छोड़े, टेंशन ना लें, अल्लाह बेहतर करेगा। जिसका जहां नसीब होगा हो जाएगी शादी। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेचारी मिली, कितना नुकसान हो गया ना इसका। दिन में 3 बार पड़ती है, बिल्कुल डॉक्टर की खुराक की तरह। अब 2 बार का नुकसान तो इसका हो ही गया। मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है, समझी? तो कोई ऐसे समझाए ना, पढ़ पढ़ के क्या हाल कर लिया इसने अपना। अभी भी ना ये बुखार कोई कोस रही होगी, ये क्यों आ गए हो मेरे ऊपर, मुझे तो पढ़ना था। इस लड़की को भी कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। वो बुखार में पड़ी है बेचारी, वो क्या किसी को कोसेगी? पुरुषा, बेटा ये बताओ, कुछ कम हुआ बुखार?
जी अम्मा, थोड़ा सा हुआ तो है, अभी पट्टियाँ रख रही हूँ ना अम्मा, तो और भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अरे हाँ, वो सुनो, शाम को अदील आएगा ना, उसके साथ उसे डॉक्टर के जरूर भेज देना बेटा। और हाँ, सूप पिलाने के बाद एक गोली दवाई की दे देना, ताकि इफाका हो जाए, डॉक्टर के यहाँ जाने के काबिल। या अल्लाह खैर करना बस। मरियम, मरियम जरा सुन लो, दादू बेटा तुम्हें आवाज दे रही है। टेलीफोन से फुर्सत मिले तो हमारी भी कोई सुने। सॉरी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि नीचे जाओ, हलीमा बीबी से पूछो सूप तैयार हो गया, अगर हो गया तो तुम ले आओ। शाबाश, मिले तुम्हारी रह से मुझे बहुत काम करना पड़ रहा। काम चोर है ये बहुत। हलीमा भी? जी बेटा। सूप बना लिया आपने? हाँ, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। ये आप सेब पका रही हैं? और ये सफेद क्यों है? अरे नहीं बेटा, ये सेब नहीं है, ये शलजम है, सब्जी है ये। आज आप अभी की फरमाइश पे मिक्स सब्जी बना रही हूँ। दादू ने कहा है बनाने के लिए, फिर तो मैं भी खाऊंगी। कैसी होती है मिक्स सब्जी? मैंने कभी नहीं खाई। बेटा आजकल के बच्चे खाना कहाँ खाते हैं, हर वक्त वही चीजें, पिज्जा के बर्गर, ये खाने हैं तुम्हारे। बेटा कभी ये कुदरती नेमतें खाकर देखो, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें जमीन में उगाई हैं, इनमें लज्जत भी है और ताकत भी। छाप छाप, अब आप रोज बनाइएगा और मैं खाऊंगी, ठीक है? अच्छा, और सूप मलाइका को दे दीजिएगा, और मेरे लिए अनार का जूस निकाल दीजिए। अच्छा अच्छा, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। मैंने बना ली सब्जी और इसने खा ली, अरे सब्जी के नाम तक तो पता नहीं है। ये लो बेटा, दवा खाओ। लो बेटा। आप क्यों परेशान हो रही हो मानी जान? बेटा देखो, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी ना, कमजोरी हो जाएगी। दूध भी पीना होगा तुम्हें, सहम भी तो देना है तुम्हें। ख्याल रखो बेटा। चलो अब तुम आराम करो, ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। आज तो मैं अदील से बात करके रहूंगी। अच्छा बहाना बना के रखा है लोगों से अपनी खदमतें कराने का। सुबह से ना मैं 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, कभी दूध लेकर आओ, कभी जूस लेकर आओ, कभी फ्रूट्स लेकर आओ, घन चक्कर बन गई हूँ मैं। चलो इस बहाने तुम सुखगढ़ी बन जाओगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है सुखगढ़ बनने की, और वैसे भी जब तुम जैसी भाभी हो तो सुखगढ़ बनने की जरूरत क्या है। मुझे आज के बाद भाभी मत कहना। क्यों? मैं तो कहूंगी ना, आप मेरी दोस्त है, ना आप मेरी कजन है, आप मेरी भाभी है, और वैसे भी सब मेरा एक भाई है और एक ही भाभी। मरियम प्लीज, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तुम तो उन्हें पसंद करती हो ना। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते, बस बोलना बाबू, मैं सच कह रही हूं, अदिल मेरी जगह किसी और को पसंद करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं।
तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपने कानों से सुना अदील को उस लड़की से बातें करते हुए। मेरे लिए तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मोमी। हाँ बेहतर है कि तुम भी यकीन कर लो। मगर मैंने महसूस किया था कि वो तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करते हैं और तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी भाभी नहीं बन सकती। ये शायद दिलों का सौदा है और इसमें जबरदस्ती करना मुनासिब है। मगर भाई जान ने तुम जैसी लड़की को छोड़कर किसी और को कैसे पसंद कर लिया? मोहब्बत और पसंद भी किसी का इख्तियार नहीं। मगर मिली तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत वो मेरे सीने में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन मम्मी तुम मुझसे वादा करो कि इस राज को हमेशा राज ही रखोगी, कभी किसी से कुछ नहीं कहोगी। सच तो यह है कि मैं नहीं चाहती कि घर वालों को यह बात पता चले जिसकी वजह से वो अदील पर दबाव डाले। इस तरह ना अदील खुश रहेंगे ना मैं। और इतने बरसों के बाद इस घर में इस तरह की खुशी आ रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो खुशी फीकी पड़ जाए और सबका दिल खराब करने से बेहतर मैं थोड़ी सी तकलीफ खुद ही सह लूं। और वैसे भी अभी मोहब्बत की जड़ें इतनी मजबूत नहीं हुई थी मेरे दिल में। वक्त के साथ मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है लेकिन लेकिन प्लीज तुम किसी को कुछ मत बोलना प्लीज। अम्मी। हाँ बेटा। मैं आप ही के पास आ रहा था। बड़ी देर कर दी बेटा आज तुम। हाँ एक दोस्त के साथ था। अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। तो पहले आप बात करें। हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया और मैं जानती हूँ कि तुम किसको पसंद करते हो। हुँ? आप जानती? हाँ क्यों नहीं जानती, तुम्हारी माँ हूँ मैं, क्यों नहीं जानूंगी मैं। और बल्कि मैंने तुम्हारे बाबा को भी बता दिया है और तुम्हारी मलाइका को हम बहुत जल्द अपनी बहू बना रहे हैं। हाँ अम्मी मैं असल में किसी और को पसंद करता हूँ। कौन है वो? मेरी क्लास फेलो है अम्मी। बहुत अरसे तक इंतजार किया उसने, काफी रिश्तों को ठुकराया उसने मेरे लिए। काश ये बात पहले बता देते तुम तो ना हम ये ख्वाब देखते और ना बात इतनी आगे बढ़ती। क्या सोचने लगे हम? हाँ कुछ नहीं। अगर आप इस शादी से खुश नहीं हैं, आपकी मर्जी शामिल नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ उसे। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए। नहीं नहीं वो मेरी मर्जी क्यों नहीं होगी, आखिर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें पसंद है वो, है किस फैमिली से? हमारे हम पला तो नहीं है लेकिन बहुत मौजूद और शरीफ कराना है। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, वालदा बड़े भाई और भाभी रहते हैं साथ में।
ठीक है बेटा, खानदान का मुअज्जज होना ही जरूरी है, दौलत तो नहीं लेकिन हमारे पास किस चीज की कमी है। बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। ये हुई ना बात, बहुत शुक्रिया मम्मी। आप यकीन जानिए, आप जब निदा से मिलेंगे आप बहुत खुश होंगे। मैं उसको एक खबर सुना कर आता हूँ। यकीनन अच्छी होगी, मगर मेरी आंखों ने तो मलाइका को बहू के रूप में देख लिया था। अदील किसी और को पसंद करता है और मलाइका तो अदील को पसंद करती है। मुझे मरियम ने बताया था। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया, खैरियत? हाँ बेटा, खैरियत है। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। वो तुमने मुझे बताया था कि मलाइका अदील को पसंद करती है। जी, बस मैंने तो ऐसे खुद ही कह दिया था। अब मलाइका की बच्ची उसे पढ़ाई से फुर्सत मिले तो वो कुछ और सोचे ना। सच कह रही हो तुम? जी अम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? अदील ने मुझे बताया कि वो किसी और को पसंद करता है, उसकी क्लास फेलो है निदा। कितना अरमान था मुझे अदील की शादी करने का। जब से उसने मुझे ये बात बताई है, मेरे दिल में एक चुभन सी है। कहीं मलाइका उसे पसंद तो नहीं करती? अजीब उलझ सी गई हूं मैं। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मलाइका के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो मेरे साथ मिलकर भाई की शादी के प्लान्स बना रही है। बड़ा अरमान था कि मैं मलाइका को अपनी बहू बनाऊं। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचें और बिल्कुल फिकर ना करें, क्योंकि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं ना, और फिर भाई की भी शादी वहीं होगी जहां अल्लाह को मंजूर है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? उसकी जिंदगी है, उसे फैसला करने दो। और हमने कभी अपने बच्चों पे पाबंदी नहीं लगाई। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मलाइका की फिक्र है कि कहीं वो अदील को पसंद ना करती, उसका दिल ना दुखे। अब इत्मीनान हो गया ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मगर पता नहीं क्यों दिल में खलिस सी है। काश मलाइका हमारे घर की बहू बनती तो कितना अच्छा होता। जो काम इंसान के बस में ना हो उस पे कूदना बेकार है। पता नहीं अम्मा क्या सोचेंगी। कुछ नहीं सोचती, मैं सुबह उनसे बात करूंगा। मॉम कहाँ रहती हैं आप हर वक्त? आपा के पास थी, तुम कहाँ जा रही हो? मिकाल की तो 1 बजे की फ्लाइट है। आपसे किसने कहा कि मैं मिकाल को रिसीव करने जा रही हूँ? क्या मतलब है, तुम मिकाल को लेने एयरपोर्ट नहीं जाओगी? नहीं मामा, मुझे अपने बहुत काम है। वो तुम्हारा कजन है, बचपन का दोस्त है, और 5 साल के बाद बच्चा आ रहा है। आ रहा है ना, अब यहीं पे मिल लूंगी। लाइबा, आपा को अच्छा नहीं लगेगा, तुम उनकी नेचर को तो जानती हो ना।
मामा मुझे उनकी नेचर से क्या लेना देना, ना मैं उनकी बहू हूं और ना ही बेटी। अच्छा बेटी नहीं हो लेकिन बहू तो बन सकती हो। क्या क्या कह रही है मॉम? क्यों तुम निकाल को पसंद नहीं करती? मॉम पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। किस तरह की बातें कर रही हो लायबा तुम? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ मैं। जिसे शादी करनी होती है ये जरूरी है कि वो पसंद करता हो, आपकी कदर करता हो, आपको झुक के प्रपोज करे। अगर मैं मिकाल को पसंद भी करती हूँ ना तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे पता चले, क्योंकि वो मुझे डिग्रेड करेगा, जानती हूँ मैं उसे, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और हाँ आप ये बात कभी भी खाला जान से नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मिकाल बस मेरा कजन है और इससे आगे कुछ भी नहीं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। खुदा हाफिज़ जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम मामा। जीते रहो, आबाद रहो। उरुसा सब खैरियत है? जी अम्मा खैरियत है। वो हमने अदील से मलाइका के लिए बात की थी मगर मगर क्या आगे बोलो। मगर अम्मा वो अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करता है। क्या अरे उसकी अपनी जिंदगी है, उसे पूरा पूरा इख्तियार है फैसले करने का। मैं तुमसे पहले कहती थी कि उसकी मर्जी मालूम करो, अच्छा हुआ ना बात आगे बढ़ाने से पहले अदील की मर्जी मालूम हो गई। जी अम्मा। अम्मा दरअसल हम चाहते थे कि घर की बच्ची घर में ही रहे। हाँ लेकिन जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं बेटा, हमारा तुम्हारा उन पे कोई इख्तियार नहीं। बेटा अदील से कहो कि अब हमें उस खानदान से मिलवा दे ताकि हम बाकायदा रिश्ता लेके जा सके। अम्मा वो खानदान एक मिडिल क्लास है, बच्ची के बाप की डेथ हो चुकी है, बड़े भाई के साथ रहती है। बेटा दौलत तो हाथ का मैल है, हमें तो सिर्फ खानदानी शराफत और निजाबत चाहिए। बेशक वो एक जोड़े में अपनी लड़की को रुख्सत करते लेकिन शरीफ लोग हों, खानदानी लोग हों। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें फिर कल ही उनकी तरफ जाना चाहिए, शादी की बात करनी चाहिए। नहीं नहीं रूसा भी इतनी जल्दी क्या है, जरा उनके बारे में मालूमात कर ले। बेटा आप क्या सोचना समझना, हमारा अदील अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, जब उसने एक चीज पसंद कर ली तो यकीनन वो अच्छी होगी। जो तुमने खानदानी बैकग्राउंड बताया है उसके लिहाज से बिल्कुल सादगी से निकाह पढ़वा के घर ले आओ, सारे रस्म व रिवाज धूम धड़क का अपने घर में करो, लड़की वालों में बोझ न डालना। जी अब्बा बिल्कुल ठीक है। ज़किया तुमने कबाबों को मसाला लगा दिया ना? जी वो तो मैंने लगा दिया। हाँ ठीक है, वो मैंने पुलाव दम पे रखा है, उसे देख लेना। जी ठीक है। अच्छा सुनो मीठा फ्रिज में रख दिया ना? वो तो मैंने कब का रख दिया था। ठीक है जाके काम देखो। लाइबा और रिफत कहाँ रह गई है? एयरपोर्ट भी लेने नहीं गई, हद होती है। पूरे 5 साल के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है और इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं है। अरे मोमी तो खैरियत है, ड्राइवर का है
आज आप मुझे अपना ड्राइवर समझ लो। आप अच्छा, वैसे ये मेहरबानी क्यों है? बड़ी बेमुराद हो तो तुम, इतनी बार मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाया है, तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स के घर ड्रॉप किया और तुम ये कह रही हो चलो बैठो गाड़ी में। अरे बाबा मैं कब इनकार कर रही हूँ, ये तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के घर पे लेकर नहीं गई हो, लेकर गई हो। मगर तुम मुझे यूनिवर्सिटी पिक करने कभी नहीं आई ना। बस भाई मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी घर पे, तो सोचा था मैं पिक कर लेती हूँ, हम दोनों मिलकर एंजॉय कर लेंगे, घर चले जाएंगे। एंजॉय? नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, मुझे तैयारी करनी है। इतने बोरिंग हो तुम यार, आज वीकेंड है, थोड़ा एंजॉय कर लो, कल पढ़ लेना। यकीन जानो मम्मी मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, मुझे पढ़ना है। ठीक है उतरो अभी मेरी गाड़ी से, उतरो। प्लीज ना इतना बोर मत किया करो, देखो इंसान को ना अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। ठीक है निकाल ही तो रही हूँ, अब ठूसो आइसक्रीम और मुझे भी ठूसाओ। मिली अब एंजॉय भी तुम शक्ल बना के करोगी, सारा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने हमारा। नहीं मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, देखो मम्मी कितना मजा आ रहा है ना, कितनी खुश हूँ मैं, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मिली तुम वाकई में खुश हो? हाँ मैं वाकई खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली खुश है। अगर मैं उनको उदास कर दी थी ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ, जो मेरे रब की रजा। रिफत, रिफत। जी आपा। रिफत कहाँ थी तुम? आपा सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था तो मैं कमरे में गई, लेटी जैसे ही तो आंख लग गई और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला मुझे। लाइबा कहाँ है? मार्केट गई है, बस आती होगी। मैंने उससे कहा था कि मिकाल आ रहा है, उसे एयरपोर्ट लेने जाना है और उसको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। क्या करूं आपा, बुटीक तो उसका बरसों पुराना ख्वाब है, अब तो उसे एक पार्टनर भी मिल गई है जो उसे सपोर्ट कर रही है, उसे सिवाय बुटीक के कुछ नजर नहीं आता। देखो रिफत सब इंसानों के काम होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसान अपनी फैमिली को देता है। अरे निकाल मेरा बेटा आ गया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अफजाल देखे मैं कितने अरसे के बाद देख रही हूँ अपने बेटे को। बिल्कुल गलत, स्काइप पे आप मुझसे हर रोज बात करते हैं। अरे वो कोई देखना हुआ ना, मैं माथा चूम सकती हूँ ना मैं गले लगा सकती हूँ अपने बेटे को। अड़ी आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक, लाइबा नजर नहीं आ रही, मैंने तो सोचा मुझे एयरपोर्ट लेने आएगी। वो शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। बात मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है।